मुश्किल है जीना। बेटी को हंसता भसता देखोगी ना, सारी बीमारियां तुम दोनों की दूर हो जाएंगी। लेकिन अच्छा कोई रिश्ता मुनासिब मिले तो तब ना। साथ तुम्हारा खून है, अब उसके होते हुए रिश्ता क्यों तलाश कर रही हो? चीजें वाइंड अप करो और चलो यार यहाँ से। ऐसे कैसे चलो? उस्मान, मैंने तुमसे कहा ना, मैं अब किसी से डरने वाला नहीं हूँ। अब जो कुछ इनके साथ हुआ है या फिर जो कुछ अखबार में छपा है, उसके बाद तो इनका कदमों पर खड़ा रहना ही कमाल है। यार मैंने उसे मुकम्मल तलाक नहीं दी है और वो सबसे झूठ बोल रही है। क्या? अरे ये अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? खैरियत तो है ना? आओ अम्मा बैठो, तुम्हें एक नई खबर सुनाता हूँ। फराज भाई ने रामीन को तलाक नहीं दी अभी तक। क्या तलाक नहीं दी? लेकिन रामबीन ने तो खुद मुझे रो रो के बताया है, और मुझे फराज ने भी बताया था कि उसके मुंह से निकल गया था। अम्मा तुम ये चाहती हो ना कि हम हुमायूं जैसे घर में चले जाएं, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम रामबीन से मोहब्बत से बात करो, बहुत ही ज्यादा हमदर्दी से बात करो, फिर तुम देखना। अम्मा फिर तुम देखना मैं करता क्या हूं उसका। जी ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है? अम्मा तुम्हें जितना कह रहा हूं बस उतना करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ताई अम्मी चाय। हाँ बेटा इधर आओ मेरे पास बैठो। एक कप चाय क्यों नहीं? अपनी चाय नहीं लेकर आई, तुम नहीं पियोगी मेरे साथ? नहीं ताई अम्मी, रामीन तो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, बल्कि मैं तो तुम्हें अपनी बेटी ही समझती हूँ। माँ अपनी बेटी की गलतियाँ माफ करती है ना, तो समझो मैंने तुम्हें बेटी समझ के माफ किया। और अगर कभी मैंने कुछ कह दिया हो तो तुम भी माँ समझ के दरगुजर कर दिया। यानी कि तुम यहीं पे मुस्तकिल शिफ्ट हो रहे हो? क्या वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे? नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूं। पहले अपने घर की कस्टडी लूंगा और फिर बिजनेस। अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बजाय मेरे साथ बिजनेस कर लो। तुम्हारे मामू का बिजनेस भी तो यही है। अच्छा हमें सपोर्ट मिल जाएगी। मामू को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन अभी जो तुम्हारे पार्टनर्स हैं ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देखो मायू, फराज को मैं सिर्फ और सिर्फ जुबिया की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस को समझ सके। और तुम्हारी और मेरी डील्स बिल्कुल अलग होंगी। हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारी डील्स, उसमें फराज बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। सोचूंगा। बहरहाल मैं अभी जिस काम के लिए आया हूँ वो तो हल करके दो यार। यार तुम्हारे घर के जो पेपर है ना वो बैंक में मौजूद है, और फराज कह रहा था कि उसको लास्ट पेमेंट भी अभी देनी है। देखो काशा, उसके प्रॉफिट या अमाउंट से इंस्टॉलमेंट जमा कराओ, ये काम तुम ही कर सकते हो। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये बहुत कीड़ा मामला है, कोई आसान मामला नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मैं उसकी किसी भी पेमेंट में से कुछ भी यूज नहीं कर सकता हूं। देखो काशा, या तो फराज को प्रेशराइज करो या फिर जुबिया से बोलो कि उसे कन्विंस करे कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करे। यार फराज पहले ये तो मान ले कि वो घर उसका नहीं तुम्हारा है। वो तो ये कहता है कि सारी पेमेंट्स वो कर चुका है, बस सिर्फ सबूत नहीं है। पेमेंट देखो काशान, किसी भी तरह ये काम करके दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? आज भी दुकान से जल्दी आ गए? हाँ माँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं है और आजकल कारोबार भी कुछ मंदा ही है, बाजार में काम ही नहीं है। पता नहीं तुम दोनों मियाँ बीवी क्या कर रहे हो। अरे भाई डॉक्टर को दिखाओ,
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ताकि पता तो चले कि मसला क्या है। हाँ दिखाएंगे। अब ये बताएं कि जज्बा पर नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे कहाँ होगी, यहीं होगी, कमरे में होगी इधर अपने। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, ये साद और राबिया वाले रिश्ते का क्या चक्कर है, क्या सिलसिला है, क्या कहा है तुमसे जाज़बा ने? क्या आपसे भी बात की है जाज़बा अपन ने राबिया और साद के बारे में? अरे जाज़बा करे या शगुफ्ता, तुम बताओ मुझे असल बात क्या है। जी सर। जी सर मैं भी आई। ओके आ जाए मिस राबिया। सर ये फराज साहब की कंपनी की फाइल्स हैं, आप खुद चेक कीजिए, मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। क्यों, क्या हुआ इसमें? सर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ऐसी खरीदी है जो बहुत एक्सपेंसिव है और हमारी कंपनी इतना बड़ा बर्डन नहीं उठा सकती, तो आगे जाके तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एग्रीमेंट्स हुए कब हैं? अब सर इस फाइल में सारे पेपर्स मौजूद हैं, आप देख लीजिए। सर एक बात कहूँ? बोले। अब सर फराज साहब के ऑफिस वर्क में बहुत मसले मसाइल हैं, उनके काम को देखकर मेरा खुद का काम भी बहुत मुतासिर होता है, लेकिन मैं कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से कतरा जाती हूँ, खामोश हो जाती हूँ। अगर अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या ये फाइल्स आप किसी और से चेक करवा लेंगे प्लीज़? ये मैं खुद चेक कर लूँगा, आप जाएं। थैंक यू। थैंक यू। देख लिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इस इंसान को इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसे सिर्फ एक तरह की जॉब करने की आदत है, बस ये तुम्हारे सामने सी। मैंने तो तुम्हें पहले इसकी एबिलिटी के बारे में बताया था, अब तुम्हारा काम है सोबिया को जाके बताओ और दिखाओ कि उसका शौहर कितना पानी में है। हेलो, फराज से बात कर रहे हैं मेरी आप? यही तो बता रहा हूँ अम्मा कि वो सिर्फ रिश्ता चाह रही हैं, सच तो ये है कि उनकी बातों से अब लालच भी नहीं झलकता, उन्होंने अब वो पहली वाली बातें छोड़ दी हैं। हाँ वैसे आहिस्ता आहिस्ता नखरा तो टूट रहा है, सारा कारोबार तो फराज ने संभाल रखा है, अरे साथ तो कभी कभार चला जाता है दफ्तर, और अब तो उनका घर भी नहीं रहा। देखिए अम्मा, वो जो कारोबार कर रहे हैं उसमें बहुत मुनाफा है, अगर फराज साथ को 40% भी देगा तो उसके लिए बहुत है ये। देखो अजहर, मुनाफे पे मत जाओ, सुना तुमने, तुम्हें पता है ना रामीन के साथ क्या किया इन्होंने, अरे खड़े खड़े तलाक दे दी, और वो बेचारी सुम्बुल, अरे उसका तो अल्लाह ही मालिक है कि उसके साथ हुआ क्या है। देख लो भाई, फिर भी जो भी कुछ है ना, सोच समझ के कदम उठाना, कोई जल्दबाजी मत करना, और हाँ राबिया से जरूर पूछ लेना। हाँ राबिया से मशवरा करूंगा, मैं कोई अहमक तो नहीं हूं ना, मैं भी देखभाल के ही करूंगा अपनी बेटी का मामला। मिस राबिया, क्या आप मुझसे ऑफिस के बाहर मिल सकती हैं, मैंने कुछ बात करनी है आपसे। देखिए सर, बाहर तो मैं आपसे मिल नहीं सकती, आपको जो बात करनी है आप यहीं कर लें। रामीन आपके साथ आपके घर में रह रही है? जी। आपको कोई काम था उससे? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, दरअसल उस वाकये के बाद से मोबाइल उसका मुस्तकिल ऑफ है, तो बस परेशानी हो रही थी तो सोचा आपसे खैरियत पूछ लो। मिस्टर हुमायूं, जितनी बदनामी आप दोनों की हो चुकी है
मेरा ख्याल है कि आप दोनों को अब ला ताल्लुक ही इख्तियार कर लेनी चाहिए। देखें, ये आपकी गलत फहमी है, हम दोनों का इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरा यकीन करें। मिस्टर हुमायूं, आपको एक मशवरा दूं? देखिए, आपकी क्लास अलग है और उसकी अलग, इन सबका आपकी जिंदगी पर तो इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जिंदगी पर बहुत पड़ेगा। उसने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की। क्या जी? तो मेरी गुजारिश है आपसे कि उसकी जिंदगी को मजीद मुश्किल ना बनाए। खैर सर, अभी मुझे थोड़ा काम है, यकीनन आप समझ गए होंगे। तुम ही फराज को समझाओ, आके माँ को मुंह तो दिखा जाए। इतने दिन हो गए मुझसे मिलने भी नहीं आया। अम्मा बताया तो है, फराज भाई बिजनेस में बहुत उलझे हैं, ऊपर से ये रूबिया भाभी, ये तो जैसे किसी से मिलना ही नहीं चाहती। क्या करूं मैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये इस कमबख्त रूबिया की वजह से ना हम यहाँ लावारिसों की तरह पड़े। अम्मा एक काम करो, कुछ दिन में हम अपना सामान लेके रूबिया भाभी की तरफ ही चलते हैं। अब हाथ पकड़कर निकालने से तो रही। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन एक दफा फराज से पूछ लो, कहीं वो नाराज ना हो जाए। क्यों भाई, किस बात का बुरा मान? मैंने भी तो सुंबुल के घर में आप सबको रखा था ना, अकेला नहीं रहता हूं। अब फराज भाई का फर्ज बनता है वो हमें अपने साथ रखे। सुबिया अगर सुंबुल की तरह मर जाती ना तो फराज रख लेता हमें। अब बात कुछ और है, अगर उन्होंने हमें अपने साथ नहीं रखना तो मैं बिजनेस से अपनी रकम निकलवा लेता, उतने में एक अच्छे घर का बंदोबस्त कर लूंगा। और वो जो तुम कह रहे थे, रामीन से हमदर्दियां, हुमायूं जैसा घर, उन सब्ज बागों का क्या होगा? अम्मा वो सब सूद से होगा, समझा करें ना यार। अच्छा मामू से कुछ बात हुई? अरे मैंने तो बात की थी, उसने जवाब ही नहीं दिया, आज फिर पूछूंगी। बस अम्मा जो कुछ भी हो जल्दी बात कर लो, फराज भाई बता रहे थे बिजनेस कुछ ठीक नहीं जा रहा, कम से कम राबिया हमारी तरफ से बिजनेस ही संभाल लेगी। इसीलिए तो कड़वा घूंट पी रही हूं मैं ये। ओहो इतना टाइम हो गया, पता नहीं अम्मी ने खाना बनाया भी होगा या नहीं, क्योंकि आज तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हो गया यार ये, तुम रहने दो ना, मैं बना लेती हूँ खाना। अरे नहीं नहीं, मेरा वैसे भी काम कंप्लीट हो गया, मैं कर लूंगी। वो तुम्हारे कोर्सेज का क्या हुआ, अब ऑनलाइन क्लासेस ले भी रही हो या नहीं? रेगुलर क्लासेस तो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन फिर भी ले लेती हूँ। और तुम्हें पता है मुझे उन मसालों के नाम याद हो गए जो मैंने पहले कभी सुने भी नहीं थे। चलो तुम प्रैक्टिस भी शुरू कर दो अब, और हाँ मुझे ना एक लिस्ट बना दिया करो, तो मैं ऑफिस से आते हुए सारा सामान ले आया करूंगी। अरे हाँ रामीन, मेरी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने वहाँ से कोर्सेज लिए हैं, तो मैं ना उनसे मशवरा करके तुम्हें बताती हूँ। हाँ और उनसे ये ज़रूर पूछ लेना कि कम बजट में प्रैक्टिस कहाँ से मिल सकती है। हाँ वो तो ये सब इजीली बता देंगे। अच्छा रामीन मैं ज़रा अम्मी को देखकर आ जाती हूँ। अरे रामीन तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफिस सुबह से, खैरियत तो है ना सब? रोज तुम्हारा नंबर डायल करता हूं कि शायद तुम अपना नंबर ऑन कर लो। क्या
थैंक गॉड, बेल तो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रामीन, क्या हुआ, खैरियत है? खैरियत हमारी जिंदगी में रही कहाँ है रामीन? कभी सहनो भगवान में भी नहीं सोचा था कि ऐसी जिंदगी हो जाएगी। वो हम जैसे ही बदनसीब लोग होते हैं, जो चाहते कुछ है और किस्मत कुछ और बनाकर सामने पेश कर देती है। रामीन, तुमने ये क्या किया है? सुसाइड अटेम्प्ट? तुमने सोचा भी है कि मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी ये सुन के? हुमायूं, एक बात अपने दिल को अच्छी तरह समझा लो। हम जिंदा रहें या मुर्दा, लेकिन हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। एक तवील मुसाफत है हमारे दरमियान। तुमने कभी मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी रामी, हमेशा फोन बीच में काट देती हो। कितना समझाने मना करने के बावजूद ना रामीन हुमायूं से रابطہ तर्क कर रही है, ना ही हुमायूं रामीन से। कुछ तो है ऐसा इन दोनों के बीच जो नौबत यकदम तलाक तक आ गई तो हम सारा इल्जाम फराज और फुप्पो को देते हैं। मेरा फराज कोई पागल नहीं है जो ऐसी तलाक दे देगा रामीन को, कुछ तो उसने देखा होगा ना। अच्छा, अगर ऐसी नहीं है तो हुमायूं के साथ रह क्यों रही है? अरे क्या कमी है मेरे फराज में, क्यों तलाक मांगी रामीन ने उससे, बताओ ना। बात कुछ दिल को लग नहीं रही राबिया, क्योंकि जो जवानी होती है ना, ये बड़ी मोजोर होती है। बड़े बड़े पारसाओं की मत मारी जाती, पता ही नहीं चलता कब क्या कर बैठे। तो क्या रामीन की इसी हर धर्मी के सबब इनके बीच तलाक हुई? क्या हुआ राबिया, आधी रात को यहाँ खड़े क्या सोच रही हो बेटा? अम्मी, हमने फुप्पो की फैमिली का सिर्फ एक ही पहलू देखा है। हो सकता है कि वो इतने गलत ना हो जितना हमारे जहनों में उनके लिए कॉन्सेप्ट बन गया है। क्या हो गया तुम्हें, आधी रात को फुप्पो की याद कहाँ से आ गई? सब खैरियत तो है ना, कोई बात हुई तो मुझे बताओ। अम्मी सब ठीक है, मैं फिर बताऊँगी। तुम्हारा भाई रामीन की मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसकी जब इद्दत खत्म हो जाएगी मैं उससे निकाह कर लूंगा। फरा के घर पर तो ताला लगा हुआ है। क्या ताला लगा हुआ है? आप कितनी अहमकाना बात कर रहे हैं, खरीद हमें सेल से ज्यादा पड़ रही है। जुबी अगर ऑफिस नहीं आती है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया है। फराज मेरा बेटा है, उसके साथ रहना हक है मेरा। लेकिन बेटे के घर में, और ये घर आपके बेटे का नहीं है, ये घर मेरा है। सिदरा, हुमायूं कोई बिजनेस का प्लान नहीं कर रहा, यकीनन वो किसी इंतकाम के बारे में सोच रहा। डील, डील।